इधर एटा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। आजादी के 74 साल बीत जाने के बाद एक पाकिस्तानी महिला को ग्राम प्रधान की बागडोर सौंप दी गई है। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने बेगम बानू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उसे जेल भेज दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाक महिला कैसे बनी ग्राम प्रधान, पता चला तो हिल गया जिला प्रशासन। 40 साल पहले पाकिस्तान से आई थी बानो बेगम, एक पाकिस्तानी महिला भारत में ग्राम प्रधान बन गई और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये सच है। पूरा मामला एटा के गुदाऊ ग्राम का है, जहां जनवरी 2020 में तत्कालीन प्रधान शहनाज बेगम की मौत के बाद बानो बेगम को कार्यवाहक ग्राम प्रधान बनाया गया। लेकिन गांव के ही कुवेदान खान ने बानो बेगम की शिकायत कर दी। जांच में हुए खुलासे ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। बानो नाम के एक पाकिस्तानी मूल की महिला को धोखाधड़ी जालसाजी करके उसके द्वारा ग्राम प्रधान निर्वाचन मनोनीत होने के संबंध में जांच उपरांत एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें इसको वांछित होने की दशा में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसने मेरे को सदस्य बनाया कि चलो तुम सदस्य हो गए, हम तो वोट डाल के आ गए, हमें नहीं मालूम उसने क्या करा क्या नहीं करा। उसने ही मुझे सदस्य बनाया। जब इसकी भाभी खत्म हो गई तो इसने मीटिंग हुई स्कूल में, तो इसने मुझे प्रधान चुन दिया। जांच में ये साफ हो गया कि बानो बेगम पाकिस्तान की मूल निवासी है। बानो बेगम ने फर्जीवाड़ा कर वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवाए थे, जिसमें मुख्य भूमिका ग्राम रोजगार सेवक की बताई जा रही है। अभी वही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कंक्रीट कुछ जब पुलिस की जांच हो जाएगी तभी कुछ कर पाना संभव होगा। अभी इसमें FIR की क्या स्थिति है? FIR के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मामले के खुलासे के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं सरकारी तंत्र की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। टीम न्यूज़ स्टेट।